नमस्कार, मैं हूं करमबीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इस कहावत को और पुख्ता करने का बीड़ा उठाया है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने। मंत्री जी, बीते दिनों सरकारी प्राइमरी स्कूलों में ड्रॉप आउट कम करने का चिंतन और मंथन कर रहे थे। मंथन के बाद नतीजा ये निकाला गया कि मंत्री जी 12 अन्य विभागीय धुरंधरों के साथ नीदरलैंड का दौरा करेंगे, जहां से अर्ली वार्निंग सिस्टम नाम की एक जड़ी बूटी आएगी, जिसकी घुट्टी पिलाकर बीच में ही स्कूल छोड़ देने या अक्सर स्कूल से गोला मारने वाले नौनिहालों को सरकारी स्कूलों के अहाते तक लाया जा सके। इस योजना से ड्रॉप आउट बच्चों का भला हो या ना हो, वह स्कूल तक पहुँचे या ना पहुँचे, या फिर स्कूलों में गाय भैंस या प्रधान जी का अनाज गल्ला रखा जाता हो या ना जाता हो, उनकी हालत सुधरे या ना सुधरे। लेकिन 12 सदस्यीय दल के साथ कम से कम मंत्री जी तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को जान जाएंगे। इसके लिए मंत्री जी ने बाकायदा तैयारी भी कर ली है। होली का रंग खेलकर मार्च में ही मंत्री जी 4 प्राइमरी शिक्षकों और 7 विभागीय महानुभावों के साथ यह क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और हमारे विश्वगुरु बनने की प्रक्रिया में तेजी आएगी, तो जरा रुकिए, इतनी तेजी भी ठीक नहीं। पहले आप ये जान लीजिए कि इससे पहले भी योगी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ऐसे कई जुगत वाले अभियान चलाए थे, जिनके जरिए विभागीय अधिकारी दावा करते नहीं थक रहे थे कि अब सरकारी स्कूलों का कायाकल्प होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने पिछले कार्यकाल के दौरान योगी ने कायाकल्प योजना के जरिए सरकारी स्कूलों में रंग रोगन से लेकर स्मार्ट क्लास तक की योजना शुरू की। कुछ जिलों के जिला अधिकारियों और BSA ने इसे बढ़ाया भी और सोशल मीडिया पर खूब फोटो भी शेयर किए। फिर ये योजना शासन के किस अलमारी में दम तोड़ रही है, पता नहीं। एक और योजना की घोषणा बीते साल मुख्यमंत्री जी ने स्कूल चलो अभियान के बैठक के दौरान की थी, जिसमें प्रदेश के विधायकों को एक एक विद्यालय गोद लेने का निर्देश जारी किया गया था। अब कितने माननीयों ने स्कूल को गोद लिया और कितने स्कूल उनकी गोद से कूद गए, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। ऐसी ही एक योजना अधिकारियों, कारपोरेट जगत के लोगों के साथ भी बनी थी, उसका हाल भी बेहाल हो चुका है। मतलब मोटे तौर पर देखें तो नौनिहालों को स्कूल तक लाने के सारे जुगत सरकार को दिन में तारे दिखा चुके हैं। अब विभाग के मंत्री जी इसी कड़ी में नया भागीरथ प्रयास करने के लिए हिमालय के बजाय नीदरलैंड की वादियों से अर्ली वार्निंग सिस्टम नाम की गंगा लेकर आएंगे। आइए आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा का हाल और चाल और मंत्री जी के दौरे को लेकर आधिकारिक बयान। बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक यूपी में स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या में कमी लाने के मकसद से नीदरलैंड का अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के इम्प्लीमेंट से पहले प्रदेश सरकार के मंत्री और एक्सपर्ट टीम नीदरलैंड के इस सिस्टम को समझने के लिए वहां का दौरा करेंगे। मार्च महीने में प्रस्तावित इस दौरे में सिस्टम को समझने के बाद जब यह टीम वापस लौटेगी, तब इसे किस तरह प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में लागू किया जाए, इसका निर्णय लिया जाएगा। मतलब लौटने के बाद पहले रेस्ट होगा, फिर निर्णय के नाम पर एक मीटिंग होगी, फिर निर्णय होगा। विभाग को उम्मीद है कि इस साल के अंत तक इस सिस्टम के माध्यम से स्कूल बीच में छोड़ने वाले बच्चों की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग शुरू हो जाएगी। अब आपको बताते हैं ड्रॉप आउट बच्चों का हिसाब किताब। बेसिक शिक्षा विभाग हर साल हाउसहोल्ड सर्वे कराता है। इस सर्वे के मुताबिक साल 2020-21 में 4.81 लाख और साल 2021-22 में 4 लाख से अधिक और 22-23 में 3.30 लाख बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट यानी बीच में स्कूल छोड़ने वाले रहे हैं। सरकार का दावा है कि इनमें से 6 से 14 साल की उम्र वाले इन बच्चों का दोबारा स्कूल में दाखिला कराया गया है और अब सरकार ऐसे सिस्टम पर काम कर रही है ताकि बच्चों के स्कूल बीच में छोड़ते ही 40 दिन के अंदर इसकी ट्रैकिंग शुरू हो जाए और उनकी समस्या का निराकरण करते हुए उनकी जल्द से जल्द स्कूल में वापसी कराई जा सके।
उत्तर प्रदेश के बेसिक स्कूलों में जल्द से जल्द इस सिस्टम को शुरू करने के लिए ये 12 सदस्यीय टीम शैक्षिक भ्रमण के लिए नीदरलैंड जाएगी। यह टीम वहां अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में जानने और नवाचार के अभ्यास से जुड़ेगी। पूरे सिस्टम को समझने के बाद जब टीम वापस लौटेगी तो देखा जाएगा कि इसे किस तरह उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में लागू किया जा सकता है। यूपी की परिस्थितियों के अनुसार यदि इसमें कुछ बदलाव किए जाने की संभावना होगी तो इसके लिए भी टीम गठित कर आगे की कार्य योजना तैयार की जाएगी। यानी इस पूरे मामले में एक सरकारी सिस्टम काम करेगा। वो सिस्टम पहले दौड़ा करेगा, फिर टीम बनाएगा, फिर निर्णय लेगा, फिर उत्तर प्रदेश और नीदरलैंड के बीच की जो असमानताएं हैं उनको दूर किया जाएगा। बहरहाल यूपी की परिस्थितियों के अनुसार यदि इसमें कुछ बदलाव किए जाने की संभावना होगी तो इसके लिए भी टीम गठित कर आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि क्या है अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम के अंतर्गत यदि कोई बच्चा लगातार 40 दिनों तक स्कूल में अनुपस्थित रहे तो उसकी ट्रैकिंग शुरू कर दी जाती है और उसके अभिभावकों से संपर्क करके बच्चे के स्कूल न जाने के कारण का पता लगाया जाता है। इसके बाद अधिकतर अनुपस्थित रहने वाले बच्चों को वापस स्कूल लाने के लिए टीम गठित की जाती है जो इन्हें वापस स्कूल में लाने के लिए हर संभव प्रयास करती है। अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नीदरलैंड के सिस्टम में स्कूलों में अनुपस्थित रहने वाले बच्चों को स्कूल वापस लाने में कितनी मदद मिली है, उसी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उम्मीद जताई गई है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम अपनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बनेगा। ये वैसे उत्तर प्रदेश कई मामलों में पहला राज्य देश का पहले भी बनता रहा है। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए जो टीम नीदरलैंड रवाना होगी उसमें जा रहे अधिकारियों के साथ शिक्षकों के नाम भी हैं। देवरिया के खुर्शीद आलम, बाराबंकी के दिनेश कुमार वर्मा, उन्नाव की स्नेहिल पांडे, बहराइच के आचल पांडे, संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक गणेश कुमार, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त निदेशक पवन कुमार सचान, स्टेट हेड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन आनंद कुमार पांडे, स्टेट हेड ऑफ कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन माधवजी तिवारी, सहायक शिक्षा निदेशक श्याम किशोर तिवारी, गौतमपुर नगर की बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्या लक्ष्मी जायसवाल, बाराबंकी के निंदुरा ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार त्रिपाठी। अब आपको सरकारी आंकड़ों का भी थोड़ा लेखा जोखा देते हैं। सरकारी आंकड़ों में कुल 1.58 करोड़ बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पंजीकृत हैं। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में 2017 में यूपी में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1.30 करोड़ बच्चे पंजीकृत थे। इसके बाद लक्ष्य बनाकर 50 लाख बच्चों का और पंजीकरण कराया गया था। वर्तमान में यह संख्या 1.5 करोड़ बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साल 2019 में ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की थी। इसके तहत 1.33 लाख परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 1.64 लाख बच्चों को आधुनिक परिवेश के साथ स्वच्छ और सुरक्षित माहौल देने का प्रयास किया गया था। स्कूल चलो अभियान, मुफ्त किताब, यूनिफॉर्म, बैग, जूता, मोजा से लेकर मिड डे मील तक की योजनाएं परिषदीय स्कूलों में बच्चों को रोक नहीं पा रही हैं। ऐसे में आप खुद सोचिए कि इस नीदरलैंड यात्रा से क्या हल निकलेगा। आलम यह है कि बेसिक शिक्षा परिषद के 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूलों में साल 2018 की तुलना में साल 2019-20 शैक्षणिक सत्र में 48.5 लाख छात्र छात्राओं की कमी दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कायाकल्प के बाद भी यूपी में सरकारी स्कूलों के प्रति अभिभावकों का मोह भंग हो गया। पिछले सालों में देश में कई सरकारी स्कूलों में ताला लग गया। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस डेटा के मुताबिक देश में सरकारी स्कूलों की संख्या में कमी आई है जबकि प्राइवेट स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि एक चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि कोरोना महामारी के दौरान सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले अधिक एडमिशन हुए। UDISI की साल 2018-19 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 50,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों की संख्या साल 2018-19 में 10,83,678 से गिरकर 2019-20 में 10,32,000
570 हो गई, यानी कि देश भर में 51,108 सरकारी स्कूल कम हुए। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या में 26,074 स्कूलों की गिरावट देखी गई है। साल 2018 में सितंबर में यहां स्कूलों की संख्या जहां 163,142 थी, जो सितंबर 2020 में घटकर 137,068 हो गई। धन्यवाद।